हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर एसडीएच। इस वीडियो में मैं बीएसए गोल्ड स्टार 650 जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है, अगस्त 15 तारीख को लॉन्च हुआ था और अभी ओडिशा में मैं पहला डिलीवरी ले चुका हूं। और उसका कलर इंसिग्निया रेड, थोड़ा दिखा लो गाड़ी को, बस ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको तो और भी दूसरा यूट्यूब में आपको बहुत कुछ वीडियो आया होगा, लेकिन डिटेल में अभी कुछ आया नहीं होगा। तो इसका जो कुछ मतलब देखने से आपको पता चलेगा कि कुछ यूनिक इसमें टेक्निक जो कि फिट किया हुआ है, बनाया हुआ है कुछ अलग सा टेक्निक जो कि दूसरे कंपनी से पूरा अलग सा है, जो कि ब्रिटिशर इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो पहले ओवरऑल देख रहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज यूनिक सा कंपनी ने फिट किया हुआ है जो कि दूसरे कंपनी से कंपेरेबल नहीं हो सकता है, तो उसको पहले हम देख लेते हैं। तो पहली बात, इधर आइए, टायर जो है आगे का और पीछे का, दोनों का टायर का कंपनी है पिरेली फैंटम स्पोर्ट्स कम, जो कि एक बहुत अच्छा क्वालिटी का है और ये इंपोर्ट टायर्स है, इसका प्राइस भी थोड़ा हाई रहता है। इंटरसेप्टर का जो पहला मॉडल आया था उसमें भी पिरेली पहले कंपनी ने दिया था BS4 में, फिर BS6 में उसको चेंज करके सीएट डाल दिया। तो पहले जो इंटरसेप्टर में पिरेली था तो उसका परफॉर्मेंस क्वालिटी बहुत ही बेहतर था। जिन लोगों के पास इंटरसेप्टर था उनको मालूम होगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। मेरे पास भी एक BS4 का इंटरसेप्टर है। तो बेसिकली इंटरसेप्टर से मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ क्योंकि दोनों ही मॉडल मेड इन इंडिया है और दोनों का प्राइस लगभग सेम है। दोनों का आपका BHP बोलिए, CC बोलिए, लगभग सभी सेम ही है, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करने से आपको मेन डिफरेंस जो है मालूम पड़ जाएगा। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं, ऐसे ही देख के पता चल जाएगा कि कंपनी ने क्या क्या चेंजेस इसमें किया हुआ है जो कि दूसरे गाड़ी से थोड़ा अलग ये हटके रहता है। तो पहले बात तो है, दो टायर पिरेली का है। डिस्क ब्रेक जो है सभी गाड़ियों का जितना भी है बाइब्री का रहता है, इंटरसेप्टर में बाइब्री का रहता है, लेकिन इसमें जो है ब्रिम्बो का दिया हुआ है जो कि इम्पोर्ट क्वालिटी का है। ब्रिम्बो कैलिपर है, डिस्क ब्रेक है पीछे का, दोनों साइड ABS with डिस्क ब्रेक है, दोनों ब्रिम्बो का है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो इसमें लिक्विड कूल इंजन दिया हुआ है, जो रेडिएटर है ये इसका साइज बहुत ही बड़ा है, जो आपका आता है रेडिएटर देख लीजिए, जो आपका जावा में और SD में भी रेडिएटर आता है उसी के ग्रुप का यही गाड़ी है जो कि क्लासिक लेजेंड प्राइवेट का है। तो क्लासिक लेजेंड प्राइवेट में ये तीनों कंपनी शेयर लेती है, जो कि एक BSA है, दूसरा जावा, तीसरा SD, तीनों ही एक ही ग्रुप का है जो कि क्लासिक लेजेंड प्राइवेट का है। और जावा SD में जो रेडिएटर है उसके मुकाबले इसका रेडिएटर दुगना है, बहुत ही बड़ा है, और इसका फैन भी बहुत बड़ा दिया गया है जो कि लिक्विड कूल है, कूलेंट इसमें डाला जाता है। ये गया, दूसरा इधर आइए, दूसरा जो स्पार्क प्लग है इसमें ट्विन स्पार्क प्लग है, लेकिन दोनों साइड से आप देखेंगे तो एक ही आपको नजर आएगा, यहाँ पर एक नजर आएगा, लेकिन ये सिंगल सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर में इसमें ट्विन स्पार्क प्लग दिया गया है। तो दो जो स्पार्क प्लग है, पास में दिखाओ, यहाँ पर एक है और इसके पीछे देखिए, दिख रहा है कि नहीं आपको, ये है और इसके पीछे और एक तो है। तो दोनों ही प्लग एक ही जगह पर दिया गया है जो कि चैंपियन का है, चैंपियन का स्टैंडर्ड स्पार्क प्लग दिया गया है, दो स्पार्क प्लग एक ही जगह पे, जो कि एक यूनिक सा फीचर है। तीसरी बात यह है कि जो चेन दिया गया है, चेन का जो कंपनी है रोलोन कंपनी है, रोलोन कंपनी सब आपको तो पता ही होगा जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, रोलोन का चेन स्पॉकेट कंपनी ने दिया हुआ है। इधर आइए, इंडिकेटर्स जो है LED, चार इंडिकेटर दिया गया है, LED इंडिकेटर दिया गया है, और इंडिकेटर का क्वालिटी भी बहुत मजबूत सा है, मेटल का है LED इंडिकेटर है। एक इंडिकेटर का आपका 0.5 वाट रहता है। जो टेल लाइट है, टेल लाइट में आपका 5 LED दिया गया है और 5 LED का आपका वाटेज आ जाएगा, 5 को मिला के 1.65 वाट ऐसा कुछ आता है, 5 LED का वाटेज 1.65 वाट ओनली। इस साइड आइए, चेन जो है, चेन इसका राइट साइड में है और जो डिस्क ब्रेक है लेफ्ट साइड में है। और यहाँ पर देखिए एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है जो कि ये सॉकेट है 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट और 5 एम्पियर का सॉकेट है, 5 एम्पियर से ज़्यादा लोड मत दीजिएगा, जो कि बेसिकली राइडिंग के लिए जो टायर का जो इन्फ्लेटर आता है वो इन्फ्लेटर के लिए ये वाला सॉकेट बहुत ही अच्छा काम करेगा, बेनिफिशियली चीज़ है ये। यहाँ पर एक अच्छे बिल्ड क्वालिटी का हार्ड प्लास्टिक का अच्छे बिल्ड क्वालिटी का एक चार्जर दिया गया है,
इस साइड दिखाओ, चार्जर इस साइड में है, इस साइड में चार्जर है, पॉइंट एक यूएसबी पॉइंट है और एक सी टाइप है, दोनों ही दिया गया है। यूएसबी पॉइंट जो है ये आपका 2.4 एम्पियर का है और टाइप सी जो है ये 3 एम्पियर का है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। और एक मेन चीज जो कि सुन के आपको बड़ा ही मतलब पूरा यूनिक सा लगेगा, जो कि ज्यादातर कंपनी में नहीं रहता है, और वो है कि जो इसका जो इंजन ऑयल डाला जाता है, इंजन ऑयल इसका डायरेक्ट इंजन में नहीं डाला जाता है। आप ज्यादा जितना भी व्हीकल चल रहा है इंडिया पे, सभी पे आप देखे होंगे कि जो इंजन ऑयल है ये यहाँ पर इस साइड में या इंजन के उस साइड में कैप रहता है, इंजन कैप रहता है, इंजन के अंदर डायरेक्ट ऑयल डाला जाता है। लेकिन इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है, इसमें अलग सा है। ये जो पैनल है, पैनल के अंदर एक डिब्बा है, ये जो पैनल देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, पैनल के अंदर एक डिब्बा है, मेटल का एक डिब्बा है, उसके अंदर इंजन ऑयल आपको डालना है। इंजन ऑयल का कैपेसिटी है आपका 2.3 लीटर 10W50, जो कंपनी रिकमेंडेड है। मोटुल डाल सकते हैं, मोटुल 7100 फुल सिंथेटिक, या फिर कैस्ट्रोल का 10W50 JASO ME2, ये कंपनी रिकमेंडेड है, ग्रेड है 10W50, लेकिन आपके चॉइस से आप 10W50 का कोई भी ब्रांड अच्छे क्वालिटी का डाल सकते हैं। तो ये जो पैनल है, और एक तो चीज आपको कोई नहीं बताया होगा, तो ये चीज मेरे को थोड़ा मतलब डाउट सा लग रहा है कि जो पैनल है, इसके पैनल का, पैनल को निकालने के लिए कोई भी, दोनों साइड का पैनल निकालने के लिए कोई भी स्क्रू या कोई भी मतलब की का सिस्टम नहीं दिया गया है। तो पैनल को आप कैसे निकालेंगे? पैनल में ऐसे प्रेस करेंगे, बाहर की तरफ प्रेस करने से देखिए तीनों रबर बुश दिया गया है। तो ये रबर बुश, ये जो होल से, ये जो क्लैंप है, इसको प्रेस करने से इसमें लग जाता है। थोड़ा ऑयल लीक हुआ है। तो ये जो डिब्बा देख रहे हैं मेटल का, ये उसका इंजन ऑयल का बॉक्स है, इसमें 2.3 लीटर ऑयल डाला जाता है। ये इंजन ऑयल का कैप है, ये कैप को खोल के आपको जो मिनिमम मैक्सिमम लेवल है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो पैनल को खोलने का जो सिस्टम है, ये थोड़ा मुझे अलग सा लग रहा है, जो कि थोड़ा की का सिस्टम या फिर स्क्रू का सिस्टम देना चाहिए था, लेकिन कुछ तो होगा, कंपनी ने नहीं दिया है। तो ये वाला चीज बहुत हटके सा है, इंजन ऑयल पैनल पे। तो दो पंप इसमें है, दो पंप इसमें लगा गया है। एक जो पंप है इंजन के अंदर रहता है, जो कि सभी गाड़ियों में रहता है, और दूसरा जो पंप है, इंजन का जो ऑयल है वो रोटेशन होके पंप से फिर बॉक्स पे आएगा, इस बॉक्स से फिर रोटेशन होके फिर इंजन पे जाएगा, ऐसा सर्कुलेशन होके चलेगा। तो ये जो मेटल पैन है, इसमें इंजन ऑयल डाला जाता है। सीट का जो, सीट ओपन करने के लिए दिखा देता हूँ आपको, सीट ओपन के लिए यहाँ एक दिया गया है, इसको आप खींचेंगे, रस्सी जैसा है, इसको आप खींचेंगे तो सीट ओपन हो जाएगा। बैटरी भी अच्छे क्वालिटी का दिया गया है, बैटरी टाटा बैटरी है, जो कि यूएसआई के साथ टाई अप हुआ है। यूएसआई एक अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है बैटरी का, जो कि पहले आता था, अभी थोड़ा बंद हो चुका है, अभी आता है, बंद नहीं हुआ है, अभी आता है, लेकिन टाटा के साथ अभी टाई अप हुआ है। तो यूएसआई बैटरी जो कि बहुत ही अच्छी ब्रांड का है, तो बैटरी भी अच्छा दिया गया। बैटरी का एम्पियर है आपका 12 वोल्ट 11.2 एम्पियर का बैटरी दिया गया है, इसमें लगाया गया है। और अगर आप चाहोगे तो कंपनी ने मैनुअल पे भी लिखा गया है कि आप इसमें आमरण का 12 वोल्ट आपका 12 एम्पियर जो आता है वो बैटरी भी आप डाल सकते हैं, 12 वोल्ट 12 एम्पियर का भी बैटरी इसमें डाल सकते हैं। तो बैटरी का क्वालिटी अच्छा है। एक यहाँ पर टूल किट दिया गया है, टूल किट और आपका फ्यूज दिया गया है, टूल किट फ्यूज इस सीट के अंदर रहता है। फर्स्ट एड बॉक्स दिया गया है, फर्स्ट एड जो कि सभी गाड़ी में रहता है। आगे आपको दिखाता हूँ और भी। और बात रही रेडिएटर की, रेडिएटर का एक पॉइंट मैं छोड़ गया था। रेडिएटर जो है, इसमें कूलेंट लगता है आपका 1.7 लीटर, ठीक है, जो कि आपको 1.75 लीटर इसमें कूलर लगता है, 1.75 लीटर। और रेडिएटर में जो कूलर लगता है, मोटुल का इनुजल जो आता है या कैस्ट्रोल का भी जो आता है, प्रीमिक्स जो आता है, सुपर प्रीमिक्स ऐसा कुछ नाम से आता है, जो कि यूजर मैनुअल में दिया गया है, वो भी आप डाल सकते हैं कैस्ट्रोल का। और कूलर का जो बॉक्स है, कहाँ पर आप टॉप ऑफ में पकड़ के चले, कूलर लगता है, कूलर जो टॉप ऑफ होगा, कूलर का बॉक्स ही है, यहाँ पर कूलर लिखा हुआ है,
कूलेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, कूलेंट का बॉक्स ये है, यहाँ पर कूलेंट आप डालेंगे। और कूलेंट का लेबल देखने के लिए यहाँ पर और एक तो देखिए ग्रीन कलर का एक मार्किंग है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ग्रीनिश दिख रहा होगा। यहाँ से आपको मैक्सिमम और मिनिमम दो मार्किंग किया गया है, यहाँ पर अंदर ग्रीन कलर जो दिख रहा है, मैक्सिमम मिनिमम जो मार्किंग किया गया है वो आपको देख के आपको टॉप अप करना है या फिर रिफिल करना है या फिर पूरा चेंज करना है। तो ये जो कूलेंट बॉक्स है ये थोड़ा यूनिक लगा मुझे। कूलेंट बॉक्स सभी गाड़ियों का सामने की तरफ रहता है, सामने की तरफ या तो फिर ऊपर यहाँ पर रहता है या फिर नीचे रहता है, लेकिन इसका पूरा पीछे दिया गया है। और एक तो खास बात यह है कि इसका जो क्लच है, तो ज़्यादातर गाड़ियों में, ज़्यादा क्या, सभी गाड़ियों में जो क्लच रहता है, इंडियन मार्केट में जितना भी गाड़ी चलता है जो क्लच रहता है उसका, क्लच का जो केबल का जो आपका जो जॉइंट रहता है, केबल का जो कनेक्शन एंड में जो कनेक्शन रहता है वो इंजन के ऊपर रहता है, यहाँ इस साइड में, यहाँ पर, फिर नहीं तो उस साइड में भी वही पोजिशन में रहता है। लेकिन इसका जो क्लच का जो केबल है वो नीचे की तरफ है, देखिए गियर के ऊपर नीचे, ये जो देख रहे हैं पूरा नीचे, देखिए ये वाला, देखिए क्लच को मैं अगर प्रेस करता हूँ तो ये घूम रहा है, देखिए ठीक है ना। तो ये इंजन के नीचे के साइड में दिया हुआ है। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो हेडलाइट हैलोजन दिया गया है और उसका वाटेज है 55/60 वाट। और चाहे तो आप इसको वाटेज कम करके आप अच्छे क्वालिटी का एलईडी भी लगा सकते हैं, जो कि 25-30 वाट में आता है, अच्छे अच्छे कंपनी का आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एलईडी लगा लूंगा उस रंग का। ये जो हेडलाइट के ऊपर एक कवर दिया गया है देखिए ब्लैक सा, वो आपको कैमरे पे विजिबल साइड नहीं होगा, वो ब्लैक कलर कैप के ऊपर लिखा गया है बीएसए का पुल पर, जो कि बर्मिंगम स्मॉल आर्म कंपनी ऐसा कुछ लिखा गया है उसके ऊपर। एक पार्किंग एलईडी भी है, पार्किंग बल्ब भी दिया गया है छोटा सा 0.5 या 1 वाट ऐसा समथिंग कुछ पार्किंग बल्ब भी दिया गया है। अगर स्विचेस की बात किया जाए तो स्विच का क्वालिटी अच्छा है। ज़्यादातर मैं वीडियो देखा हूँ कि स्विच का क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन गाड़ी को मैं अभी तक 600 किलोमीटर चला चुका हूँ और 600 किलोमीटर में जितना मुझे मालूम पड़ा कि स्विचेस इसका अच्छा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। स्विच में आपको मिलेगा आपका अपर डिपर ये वाला स्विच मिलेगा, आपका इंडिकेटर स्विच मिलेगा और हॉर्न मिलेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपका किल स्विच मिलेगा, इंजन ऑफ स्विच मिलेगा। और यहाँ पर एक ट्रिप मीटर है जो कि ओडो पे जो छोटा सा जो डिस्प्ले है, वहाँ से आप ये आई बटन जो है, आई लिखा गया है, इसको प्रेस करके आप ओडो मीटर पे ट्रिप ए भी सेट कर सकते हैं। और ये वाला जो स्विच दिया गया है ये आपका हजार लाइट है, जिसको पावर इंडिकेटर भी कहा जाता है, ये वाला, ये कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। इसको प्रेस करने से पावर इंडिकेटर ऑन होगा, ऑफ करने से बंद हो जाएगा, और ये आपका स्टार्टर मोटर मतलब सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। अगर मीटर की बात करें तो ये जो मीटर का जो लुक है पूरा क्लासिक स्टाइल है, देखने में बहुत सुंदर है। पास में आओ, चाबी ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर रात में होता तो इसका जो बल्ब्स का जो मीटर का जो व्यू है अंदर का येलो कलर का आता है, जो कि देखने में पूरा क्लासिक लुक देता है। यहाँ पर आपको बैटरी का मिल जाएगा, बैटरी का एक इंडिकेटर लाइट मिल जाएगा और यहाँ पर आपको लो कोइल का एक इंडिकेटर सिंबल मिल जाएगा। और बाकी का जितना भी नॉर्मल सिंबल है जो कि आप सभी गाड़ियों में मिलता है वो इस मीटर में आपको मिल जाएगा। आपका लो ऑयल का जो सिंबल मिल जाएगा, ABS का, न्यूट्रल का, साइड स्टैंड का, और आपका इंजन माल फंक्शन का, आपका साइड स्टैंड ये वाला जो है बीच में देखिए पूरा लिखा हुआ है साइड स्टैंड अभी है गाड़ी में, इसलिए साइड स्टैंड पूरा लिखा हुआ है। साइड स्टैंड को अगर आप ऊपर खींच लेंगे तो साइड स्टैंड का जो ये जो लिखा हुआ है ये बंद हो जाएगा। और इसमें एक तो अच्छा चीज़ दिया गया है, यहाँ पर आप एक इंजन का जो अलार्म और इमोबिलाइजर बोलते हैं, दिखेगा नहीं, वो जब प्रॉब्लम होगा तब दिखेगा। रेड कलर का एक लाइट यहाँ पर ब्लिंक होगा, एक सिंबल ब्लिंक होगा, जो कि इंजन अलार्म या तो फिर इंजन इमोबिलाइजर बोलते हैं, जो कि सारे कार्स में ये सिस्टम दिया गया है। तो इमोबिलाइजर का मीनिंग्स ये है कि आपका जो चाबी है, ये चाबी के अंदर एक चिप है और आपका की का जो इग्निशन का जो ये जो सेटअप है उसके अंदर और एक तो चिप है, तो दोनों चिप को मैचिंग करके ये वाला की बनाया हुआ है। अगर आप मार्केट से कोई भी दूसरा डुप्लीकेट की बनाते हैं तो गाड़ी आपका ऑन हो जाएगा लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। ये वाला फीचर ज़्यादातर मैक्सिमम कारों में दिया जाता है, लेकिन ये BSA में दिया गया है और मुझे तो मालूम नहीं कौन से बाइक में होगा नहीं होगा। सुजुकी का टॉप मॉडल में दिया गया है, कावासाकी के बाइक्स में दिया गया है और ट्रम्प का जो स्पीड का जो अभी 400 जो बाइक लॉन्च हुआ है उसमें भी दिया गया है। तो ये जो कंपनी का जो ओरिजिनल की है इसके बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा।
अगर वो लाइट ब्लिंक होता है तो अगर वो लाइट शो करता है, इमोबिलाइजर का लाइट शो करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी किया हुआ है। तो ये सिस्टम एक अच्छा लगा मुझे। तो ये BSA का यूजर मैनुअल है जो कि खरीदने के टाइम मिला हुआ है। ठीक है, तो इस यूजर मैनुअल में कुछ जो आपका जो मेन पॉइंट्स है, तो सारे तो मैं बता नहीं सकता, पढ़ के बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ चीज़ जो है जो कि मैं मैनुअल को देख के आपको बता रहा हूँ, पूरा परफेक्ट और एक्यूरेट चीज़ जो कि YouTube पे आपको शायद कम ही मिलेगा या तो फिर नहीं मिलेगा अभी के टाइम पे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो इंजन टाइप है, ये 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल स्पार्क इग्निशन DOAC इंजन है, सेल्फ स्टार्ट है। और इसका जो क्लच प्लेट है वो पेपर टाइप है। ये 55 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4000 RPM पे, और 45 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6500 RPM पे। चैंपियन का स्पार्क प्लग दिया गया है, 2 स्पार्क प्लग दिया गया है। स्पार्क प्लग का गैप है 0.8 to 0.9 mm। आइडियल RPM 1500 RPM में रहेगा, उसका आइडियल RPM 1500 है। इंजन ऑयल का ग्रेड है मोटुल 7100-40 10W50 और कैस्ट्रोल 10W50 जासो MA2। ये दो कंपनी रिकमेंडेड है, बाकी का भी बहुत सारे ब्रांड आता है अच्छे अच्छे क्वालिटी का, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेड को मत चेंज कीजिएगा। ग्रेड 10W50 रहेगा, फुल सिंथेटिक रहेगा। इंजन ऑयल का सर्विस फील कैपेसिटी है 2.3 लीटर। और इंजन ऑयल कैपेसिटी ओवरहॉलिंग, मतलब इंजन को अगर पूरा खोल के अगर काम करते हैं आप इन फ्यूचर, तब 2.5 लीटर ऑयल लगेगा, और नॉर्मली ऐसे ही सर्विस रिफिल में 2.3 लीटर लगेगा। EFI इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन लिक्विड कूल इंजन है। 1760 ml इसमें कूलेंट लगता है। कूलेंट का जो ग्रेड है मोटुल इनुजल एक्सपोर्ट और कैस्ट्रोल रेडिकूल HD प्रीमिक्स, ये दो कंपनी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद भी आप कोई भी अच्छा क्वालिटी का ब्रांड का कूलेंट आप यूज कर सकते हैं, प्रीमिक्स वाला। इसका कलर है ग्रीन। वेट मल्टीपल क्लच है। 5-स्पीड इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है। फोर्क का इसका जो फ्रंट फोर्क का जो परफॉर्मेंस मैंने देखा 600 किलोमीटर चला के, फ्रंट फोर्क का जो सस्पेंशन का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, पूरा सॉफ्ट एकदम। और फ्रंट फोर्क का जो एक फोर्क का जो आपका ऑयल लगता है उसका ML है 400 ml। इंटरसेप्टर में शायद 460 या 470 ऐसा कुछ लगता है। इसका 400 ml है पर लेग का, दो लेग में 800 ml आ जाएगा, मान लो 1 लीटर के आसपास। .4 इसका लगता है, ब्रेक लिक्विड .4 लगता है। फ्रंट वाला जो डिस्क का जो है 320 mm इसका डायमीटर है, फ्रंट वाला जो डिस्प्लेट का डायमीटर 320 mm है, और रियर डिस्क का डायमीटर है आपका 255 mm। आर पटे अच्छी 250 दरकार नहीं, चढ़ दे इतने बोलिए दरकार नहीं। टायर जो दिया गया है पिरेली का टायर दिया गया है, स्पोर्ट्स कम टायर। फ्रंट का टायर का साइज है 100x90.18 mm 56H जो कि हाई स्पीड का है। और रियर का भी टायर अच्छा दिया गया है, थोड़ा मोटा वाला इंटरसेप्टर से। रियर टायर का साइज है 150x70 R17 mm C64H। टोटल 12 लीटर का टैंक है। और 3 लीटर जो है इसमें रिजर्व रहता है आपका, जो मीटर में जब आप टैंक फुल करेंगे तो 9 बार आएगा फ्यूल का। 9 बार से जब 1 बार हो जाएगा तो 1 बार जब शो करेगा तब आपका लो फ्यूल का इंडिकेटर जलने लगेगा, तभी आपको फ्यूल भरवाना है। 3 लीटर इसमें रिजर्व रहता है। 12 बैटरी का तो मैं बता दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ, 12 वोल्ट और 12 एम्पियर का बैटरी लगता है टाटा USA का। और 12 एम्पियर का आप अमरन बैटरी भी लगा सकते हैं जो कंपनी रिकमेंडेड है। फ्रंट हेडलाइट का बात तो मैं आपको बोल दिया, 12 volt 60x55 watt फ्रंट हेडलाइट का वाटेज है। इंडिकेटर का पर इंडिकेटर का वाटेज है 1.8 watt, LED इंडिकेटर है। हॉर्न है 12 volt DC। स्टार्टर मोटर का पावर है 900 watt। लाइसेंस प्लेट में 12 volt का 2 LED दिया गया है, लाइसेंस प्लेट में, लाइसेंस प्लेट को शो करने के लिए 2 LED का वाटेज है 0.54 watt। USB का बात तो मैं कर चुका हूँ आपको। गाड़ी का टोटल वेट है 216 kg, इंक्लूड 90% फ्यूल 216 kg। और यहाँ पर एक बात मेंशन किया है, टोटल मैक्सिमम पे लोड, मतलब गाड़ी में आप कितना लोड दे सकते हैं,
इंक्लूड राइडर लगेज पैकेज सब मिला के, तो इसमें लिखा गया है कि इंक्लूडिंग राइडर पैसेंजर एसेसरी लगेज सब मिला के 150 kg लोड गाड़ी पे आप दे सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही कम लगा। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस इसका है 150 mm। तो नया गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो इसमें रिकमेंडेड है कि 1000 किलोमीटर तक आप फिफ्थ गियर में 80 किलोमीटर मैक्सिमम चला सकते हैं, फोर्थ गियर में 64, थर्ड गियर में 48, सेकेंड गियर में 32, पहले का 1000 किलोमीटर, फिर 1000 से 2000 किलोमीटर तक आप फर्स्ट गियर में 32, सेकेंड में 40, थर्ड में 56 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ में 72 किलोमीटर पर आवर और फिफ्थ में 89 मतलब 90 किलोमीटर आवर तक स्पीड पे आप चला सकते हैं। 2000 किलोमीटर बाद आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2000 किलोमीटर तक आपको 80 से 90 का स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा और आरपीएम भी उस हिसाब से जाएगा। और एक तो अगर रॉयल एनफील्ड के साथ इसको कंपेयर किया जाए ऑयल के बारे में, तो रॉयल एनफील्ड का अभी जितना भी नया बाइक आ रहा है BS6 का, तो सभी पे रिकमेंडेड है आपका ऑयल चेंज का 10,000 किलोमीटर या फिर 1 ईयर, लेकिन इसमें रिकमेंडेड है ऑयल चेंज का 6,000 किलोमीटर, जो कि मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। ठीक है 6,000 ठीक है, लेकिन थोड़ा उसको और 2000 किलोमीटर ज़्यादा करने से थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसको बेस करके इसको भी ऐसा कॉम्पिटिटिव करना चाहिए था। तो 6,000 किलोमीटर में इसका ऑयल चेंज होगा और इससे डाउ इसका ऑयल चेंज होगा। ऑयल का कैपेसिटी है 2.3 लीटर और ऑयल फिल्टर जो लगता है इसको खोलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नट खोल के ये वाला कवर निकल के जो व्हाइट सा दिख रहा है इसको निकलने के बाद यहाँ पर रहता है ऑयल फिल्टर, यहाँ पर ऑयल फिल्टर रहता है। ऑयल फिल्टर नॉर्मल आपका जो क्लासिक का जैसा ऑयल फिल्टर रहता है उससे थोड़ा बड़ा साइज है इसका ऑयल फिल्टर लगता है। और इस पैनल के अंदर लगता है आपका एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का जो साइज है आपका ऑयल फिल्टर का डबल साइज है। ऑयल फिल्टर का जितना भी साइज है मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, इमेजेस देखा हूँ मैं गूगल पे, तो ऑयल फिल्टर का जैसा स्ट्रक्चर है उसी टाइप का, पूरा एग्जैक्ट उसी तरीका से नहीं, उसी टाइप का आप मान के चलिए उसका डबल साइज राउंड वाला ऐसा इतना सा साइज छोटा वाला इस पैनल के अंदर एयर फिल्टर रहता है। एयर फिल्टर का चेंजिंग टाइम है 2 सर्विस के बाद एक बार आपको एयर फिल्टर चेंज करना है, लेकिन इंजन ऑयल फिल्टर आपको एवरी 6,000 में करना है। इसमें 4 सर्विसेज दिया गया है, 4 फ्री सर्विस दिया गया है। पहले का जो सर्विस है वो 1000 किलोमीटर पे आपको ऑयल फिल्टर सब चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एवरी 6,000 पे आपको ऑयल एयर फिल्टर इंजन ऑयल फिल्टर ये सब चेंज करना पड़ेगा और बाकी का सब चेकअप कूलेंट लेवल जो भी जनरल सर्विस रहता है वो सब कंपनी में चेकअप करना पड़ेगा। अगर राइडिंग रिव्यू आप चाहते हैं तो 600 किलोमीटर में अभी तक चला चुका हूँ, 600 किलोमीटर में गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, पूरा स्मूथ है, वाइब्रेशन बहुत ही कम है। और अगर गाड़ी की वेट की बात किया जाए तो ऐसे आप जब गाड़ी को उठा के आगे पीछे करते हैं तो इंटरसेप्टर जैसा उतना भारी नहीं लगता है, लेकिन लाइट वेट है, इंटरसेप्टर से कम वेट है और आगे पीछे करने में आपको अच्छा लगेगा बहुत ही। गाड़ी का जो लुक से पूरा एकदम सिंपल लुक से देखने में एकदम क्लासिक लुक है, बहुत ही बढ़िया लुक है। अगर सिटिंग पोजीशन देखा जाए तो हैंडल के हिसाब से देखिए मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंच, जो कि दोनों ही पैर मेरा दोनों साइड में पूरा आ रहा है। बैठने में सिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छा है, चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही स्मूथ है। और पिकअप की अगर बात किया जाए तो गियर में आपका नॉर्मली 80 आराम से पकड़ लेता है, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर तक जब स्पीड पे गाड़ी चलता है तो आपको लगेगा कि आप 350 cc का गाड़ी चला रहे हैं, नॉर्मल बीट साउंड रहेगा, साउंड अच्छा रहेगा। और आपका जो 350 cc गाड़ी जैसे चलता है 70-80 किलोमीटर में उसी टाइप का फीलिंग्स आएगा, लेकिन जब आप 80 के बाद जब आप एक्सेलरेशन थोड़ा हाई कर लेते हैं तब गाड़ी अलग सा पुल करता है और इंजन का साउंड जो है पूरा चेंजेस आ जाता है, तभी आपको पता चलता है कि हाँ मैं 650 cc गोल्ड स्टार चला रहा हूँ। तो अभी ये 2-4 दिन के अंदर मैं एक 6,000 किलोमीटर वाला ट्रिप मारने वाला हूँ अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा टू भुवनेश्वर टू अरुणाचल प्रदेश, जो कि टोटल अरुणाचल प्रदेश को कवर करके पूरा एरिया घूम के जब हम रिटर्न करेंगे तो 6,000 किलोमीटर का राइड होगा। तो उसी 6,000 किलोमीटर में गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस है, क्या दिक्कत आया है, क्या नहीं आया है, कितना पावर है, कितना माइलेज है, डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक जितना माइलेज की बात किया जाए तो 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी आ रहा है और कंफर्टेबल है, बहुत ही बढ़िया है। गाड़ी को घुमा के चारों तरफ से एक राउंड दिखा दो,
पूरा उसका व्यू देखिए एकदम, माने लोग जो बोलते हैं क्यूट, एकदम क्लासिक, ओरिजिनल क्लासिक लुक, लुक इज बेस्ट, मतलब फिनिशिंग इसका जो ब्रिटिश इंजीनियर ने जो फिनिशिंग किया हुआ है एकदम परफेक्ट फिनिशिंग। पुराना वाला जो बीएसए आता है उसको बेस करके, पुराना वाला जो बीएसए गोल्ड स्टार जो आता था वो शायद 500 सीसी का ऐसा कुछ था, मुझे ठीक से मालूम नहीं, उसके हिसाब से इंजन का डेकोरेशन किया गया है। जावा में भी वही किया गया है, तो वो पहले वाला जो जावा आता था, पहले वाला जो एसडी, पहले वाला जो गोल्ड स्टार बीएसए आता था उसको बेस करके इस गाड़ी का लुक और इंजन का शेप भी उसी टाइप का बनाया हुआ है। तो ये क्लासिक लीजेंड का एक खास बात है। और पुराना वाला जो बीएसए था उसका भी ऑयल, जो इंजन ऑयल है वो भी आपका साइड पैनल में एक सम था उसमें डाला जाता था, वही फीचर को मायने रखते हुए इस गाड़ी पे भी साइड पैनल में सम, साइड पैनल पे सम किया हुआ है, मेटल का एक बॉक्स किया हुआ है, उसके अंदर ऑयल डाला जाता है, उसको एकदम फिनिशिंग सही रखा है। इसका जो लोगो है बहुत ही क्यूट सा लोगो है, लोगो दिखा दो इधर आके, बीएसए का लोगो जो है एकदम पूरा फर्स्ट क्लास लोगो है, ट्रिपल गन लोगो देखिए। ये पीछे वाला एक स्टिकर में लगाया हुआ हूँ, पीछे एक स्टिकर लगाया हूँ उसको देख लीजिए, बर्मिंगम स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरर बीएसए का फुल फॉर्म है, लोगो बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट क्लास डिजाइन लोगो है। टायर दोनों पिरेली है, स्पोक ट्यूबलेस टायर है लेकिन इसमें ट्यूब डाला गया है क्योंकि इसमें स्पोक है। आपको एक चीज भी बुरा लग रहा हो कि इतना कॉस्टली वाला टायर दिया गया है, अच्छा वाला टायर दिया है तो स्पोक इसमें क्यों डाला है, इसमें तो अलॉय व्हील डालना चाहिए था। तो स्पोक का जो बेनिफिट है, अलॉय का जो बेनिफिट है, दोनों ही डिफरेंस है। स्पोक अलॉय व्हील से स्पोक ज्यादा मजबूत रहता है, अगर कोई भी बड़ा गड्ढे में आपका गाड़ी गिरता है तो स्पोक टूट जाएगा या तो बेंड हो जाएगा, जिसको आप बहुत ही कम पैसे में रिपेयर करके चला सकते हैं, लेकिन अलॉय अगर बेंड हुआ या टूटा तो आपको पूरा सेट ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अलॉय में और ट्यूब और ट्यूबलेस, स्पोक और अलॉय में यही वाला डिफरेंस है। ये नहीं कि स्पोक बुरा है, आपका ऑफ रोडिंग वाला जितना भी व्हीकल आप देखेंगे, जितना भी कॉस्टली व्हीकल है सभी पे अलॉय व्हील दिया जाता है, सॉरी स्पोक दिया जाता है, अलॉय व्हील नहीं दिया जाता है। तो उसी को मायने रखते हुए इंटरसेप्टर में भी स्पोक था, इसमें भी स्पोक है, आपका ट्रम का जो ट्रैम का जो हायर मॉडल वाला टाइगर वाला जो मॉडल है, जो भी आपका ऑफ रोडिंग व्हीकल है सभी में स्पोक ही आता है। तो स्पोक ऐसा कोई बुरा चीज नहीं है, अच्छा चीज है। तो पंक्चर का अगर टेंशन रहे तो आप टायर के अंदर आपका जो पंक्चर फ्री लिक्विड वो डाल के चला सकते हैं, वो कुछ हद तक काम करता है, 50-60-70% तक काम करता है। आईएमई का मैं यूज कर रहा हूँ टायर ट्यूब पंक्चर लिक्विड, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। इंटरसेप्टर में 3 बार मैं डाल चुका हूँ इंटरसेप्टर के टायर पे, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। आईएमई जो कि इम्पोर्टेड है, मेड इन यूएसए का है, तो मेरे हिसाब से आप वो वाला लिक्विड यूज कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हॉर्न जो है क्यूट सा हॉर्न है, साइड पे एक ही हॉर्न दिया गया है, इधर दिखाओ, हॉर्न जो है क्यूट सा छोटा सा हॉर्न है, इसको चाहिए तो आप थोड़ा बड़ा वाला भी लगा सकते हैं, एक ही हॉर्न दिया गया है, साइड पे दिया गया है, हॉर्न को आप चाहे चेंज कर सकते हैं। अगर सर्विस की आप बात करें तो आपको डर सा लग रहा हो कि बीएसए का तो आउटलेट बहुत ही कम है, सर्विस कैसे करें, तो सर्विस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, क्लासिक लेजेंड का ये गाड़ी है, आप कोई भी जावा एसडी का सर्विस में, सर्विस सेंटर में आप बीएसए का सर्विस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो डीलरशिप के लिए जो ऑथोराइज डीलर का परमिशन है बीएसए के लिए, वही डीलर ही बीएसए को सेल कर सकता है। मतलब हर जावा एसडी का डीलरशिप में बीएसए नहीं मिलेगा आपको, तो बीएसए का एक्सक्लूसिव शोरूम रहता है, जैसे कि आपका होंडा का रहता है, होंडा का जैसे होंडा का जो प्रीमियम बाइक है वो आपका होंडा बिगुइंग पे मिल जाएगा, जैसे CB350 मान लीजिए, तो इसी तरह जो प्रीमियम शोरूम है जावा एसडी का वहां पर आपको बीएसए मिलेगा। लेकिन सर्विस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हर एक स्टेट में जावा और एसडी का सर्विस खुल चुका है, और एवरी जावा और एसडी का सर्विस पे आप बीएसए का सर्विस करवा सकते हैं, जो कि ऑफिशियली अप्रूव्ड है, और आपको स्पेयर भी वहां से मिल जाएगा, तो सर्विस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। रेडी, अगर एसेसरीज की बात किया जाए तो एसेसरी कंपनी में प्रोवाइडेड है आपका यहाँ पर एक पैड जो आता है हीटिंग इशू के लिए और स्क्रैचेस के लिए, जो पैड आता है दोनों साइड में रॉयल एनफील्ड में जैसे पैड आता है रबर वाला, दो पैड अवेलेबल है, छोटा सा एक लेग गार्ड अवेलेबल है सर्विस पे, और पीछे का जो बैकरेस्ट है ये 4 वेराइटीज में आता है। बैकरेस्ट जो है एक बड़ा वाला आता है, जो कि आपका जो बीएसए का जो टॉप मॉडल जो है आपका लिगेसी एडिशन सिल्वर कलर का, तो उसमें आपको उस मॉडल के लिए आपको बड़ा वाला बैकरेस्ट और एक टॉप बॉक्स के लिए एक कैरियल भी मिल जाएगा, जो कि आप खाली बैकरेस्ट भी लगा सकते हैं और कैरियल के साथ टॉप बॉक्स का जो सेटअप है उसके साथ आप बैकरेस्ट भी लगा सकते हैं। तो बैकरेस्ट, लेग गार्ड और आपका जो टैंकिंग टैंक का जो पैड, ये तीनों चीज
अभी तक बीएसए का सर्विस पे अवेलेबल है, और बाकी का कोच भी, पार्ट्स, एक्स्ट्रा एसेसरीज, कोई भी एसेसरीज आपको इंडिया पे कहीं भी वेबसाइट पे कहां पर भी नहीं मिलेगा। ये तीनों ही चीज मिलेगा जो कि आपको सर्विस में मिलेगा, डीलरशिप में मिल जाएगा। पीछे का जो बैकरेस्ट है उसका प्राइस है 3500 रुपीज, और ये लेगर्ट का प्राइस है 3000 रुपीज, और पैड का प्राइस 1500 के बीच में होगा, मुझे ठीक से याद नहीं। और इस गाड़ी का 6 कलर्स आता है, 6 कलर्स में से ये जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा तो रेड कलर को मैं सिलेक्ट किया। और इसका जो टॉप मॉडल है वो अराउंड 4 लाख के आसपास आता है टॉप मॉडल विथ ऑन रोड प्राइस। और उसका जो वेट है ये वाला गाड़ी से, बाकी का जितना भी जो 5 मॉडल है, 5 मॉडल के हिसाब से उसका वेट 12 kg ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो ये जो गार्ड है सामने का, पीछे का मडगार्ड, सामने का मडगार्ड, ये पैनल, ये जो सब दिख रहा है, ये वाला सब क्रोम फिनिश आएगा, सब क्रोम आएगा और मेटल का आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसके लिए उसका वेट 12 kg ज़्यादा है और प्राइस 30 से 40 हज़ार रुपीज़ ज़्यादा है। तो अगर जितना भी हो सके डिटेल में बीएसए के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, 600 किलोमीटर राइड रिव्यू अभी तक मैं दे चुका हूँ आपको, यूजर मैनुअल देख के आपको एक्यूरेट चीज़ जो ओरिजिनल जो गाड़ी का जो पॉइंट्स है वो आपको मैं बता चुका हूँ, जो मेरा फीलिंग्स था वो भी बता चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ओडिशा का मैं पहला कस्टमर हूँ जो कि बीएसए लाया हूँ। इसका साउंड सुन लेते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट रह गया आपको बीएसए के बारे में जानने के लिए तो कमेंट्स पे मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में जितना जल्दी हो सके आपको आंसर दे दूंगा। साउंड जो है ना इसका पूरा एकदम स्मूथ साउंड है। और एक तो चीज़ ये है, पीछे थोड़ा आइए, पीछे आइए, साउंड दिखाइए, साउंड देखिए पूरा स्मूथ सा साउंड आपको आएगा। ये जो फिल्टर देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाफल फिल्टर बोलते हैं, यहाँ पर 3 स्क्रू लगा गया है जो कि लॉक सेट के साथ लगाया गया है। अगर थोड़ा बहुत अगर आप साउंड चाहते हैं, थोड़ा बेसी सा साउंड चाहते हैं, बेसी साउंड, तो इसको आप रिमूव करके, वाफल को रिमूव करने से आपका साउंड थोड़ा बेसी आएगा, मतलब थोड़ा डिजिटल साउंड आएगा। लेकिन सर्विस अभी तक मेरा पहले वाला सर्विस नहीं हुआ है तो इसलिए मैं उसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ। हेडलाइट बंद हो जाता है, की ऑन रहता है, हेडलाइट जो है आपका 55 वाट वाला जो बल्ब है वो बंद हो जाता है, सिर्फ पार्किंग जलता है सामने का और पीछे का, जो कि एक चीज़ अच्छा लगा मुझे। ज़्यादातर बाइक्स में क्या होता है कि जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तभी हेडलाइट और बैकलाइट दोनों ही ऑन रहता है, तो ये दोनों ऑन रहने से अगर आप 15 से 20 मिनट ऐसा चाबी आप ऑन करके रख देते हैं कोई भी ट्रैफिक सिचुएशन में, अगर कोई भी जगह पर नॉर्मल इग्निशन ऑन करके रखते हैं तो दूसरे बाइक में क्या होता है बैटरी आपका इमीडिएट डिस्चार्ज होगा। लेकिन ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जावा पे भी यही फीचर है कि अगर आप की ऑन करते हैं तो हेडलाइट नहीं जलता है, स्टार्ट करने के बाद ही हेडलाइट जलेगा। और बाकी रहा आपका यूएसबी और 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो भी सेम सिस्टम है आपका, ज़्यादातर बाइक में यूएसबी जो है आपको डाटा केबल लगाने से ही चार्ज हो जाता है, लेकिन इसका सब इग्निशन ऑन करने के बाद डाटा केबल लगाने से ऑन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है आप जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद ही आपका इसमें करंट सप्लाई होगा, और 12 वोल्ट सॉकेट में और यूएसबी दोनों में करंट सप्लाई होगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि बैटरी डिस्चार्ज होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा,